नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम दोस्तों सीखेंगे कि फाइनली हम अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से कैसे लिंक करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको यहां पर मालूम है कि आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक करना दोस्तों यहां पर काफ़ी सारे कामों में दोस्तों यहां पर आवश्यक माना गया। तो फाइनली आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करेंगे, तो आज के वीडियो में हम आपको इसके बारे में कम्प्लीट जानकारी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए दोस्तों सिंपली आपको सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में दोस्तों गूगल में सर्च करना है कि DBT भारत। जैसे आप इसमें DBT भारत आप इसमें सर्च कीजिएगा तो सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों DBT भारत का आपके सामने में इस तरह का एक वेबसाइट आएगा। तो सिंपली आपको इस वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन हो के आएगा। आने के बाद इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपके सामने में ऊपर में एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा कि सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस फाइंड नियर बाय बैंक का। तो दोस्तों सिंपली आपको सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप यहाँ पर दोस्तों क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने में कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर दोस्तों लोडिंग लेके आएगा। आने के बाद इसमें आपको सिंपली करना क्या है कि इसमें आपको दोस्तों करना क्या है कि सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके आपको डायरेक्ट यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले इसमें आपको करना क्या है कि आपको इस वाले बॉक्स में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर है वो सिंपली आपको इसमें एंटर करना है। एंटर कीजिएगा तो आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने में यहाँ पर इस तरह का एक कैप्चर दिखेगा। ये कैप्चर को आपको इस वाले बॉक्स में एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके सामने में सेंड OTP का एक ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। तो OTP को आपको सिंपली करना क्या है कि आपको यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा कि एंटर OTP का। तो दोस्तों उसी के नीचे में एक बॉक्स दिखेगा तो इस वाले बॉक्स में आपको OTP को आपको एंटर करना है। एंटर कीजिएगा तो आपके सामने में से यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होके आएगा कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फाइनली लिखा गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन वेर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। यानी कि दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है वो फाइनली आधार कार्ड से लिंक है। और दोस्तों अगर आपका भी बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको लिंक कैसे करना है, तो सिंपली उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि आपको यहाँ पर फाइनली बैक आना होगा। बैक आने के बाद दोस्तों इसमें आपको सिंपली करना क्या है कि आपका जो भी दोस्तों यहाँ पर बैंक अकाउंट है दोस्तों उसको सिंपली यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको अपने बैंक का नाम इसमें आपको टैप करके सिंपली आपको यहाँ पर आधार लिंकिंग आपको इसमें सर्च करना है। मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है तो हमको इसमें सर्च करना है कि यहाँ पर हमको सर्च करना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आधार लिंक है। तो सिंपली आपको ये आपको इसमें सर्च करना है। सर्च कीजिएगा तो सिंपली यहाँ पर आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर दोस्तों आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कि लिंक आधार नंबर टू बैंक अकाउंट का। दोस्तों सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। आने के बाद यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको आपसे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो भी डिटेल यहाँ पर आपको मांगेगा वो डिटेल आपको इसमें फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद सिंपली इसको डाउन करके आपको नीचे नीचे बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट है वो फाइनली यहाँ पर आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट होगा वो आपको अपने नाम से इसी तरह कि आपको सर्च करके अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से घर बैठे ऑनलाइन आपको लिंक कर लेना इसी तरह।